और एक गुरु स्टोरी है, जब हम टीचर नहीं थे दोनों, तभी यहाँ पर हम मुझे मैं होम क्रिया कर रही थी। क्रिया करते करते मुझे दिखा कि 13 में पास में आना था, और फिर गुरुदेव का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, और बहुत ग्रैंड स्केल पे सोसाइटी पे सेलिब्रेशन हो रहा है करके, और चित्रा जी का सत्संग हो रहा है, ये भी मैंने पूरा क्रिया के दौरान देखा। तो तब तो हम टीचर भी नहीं थे, हमें कुछ पता भी नहीं था किससे मिलना है, और चित्रा राज का सत्संग सुना था, बहुत अच्छा होता है, बस इतना ही पता था। लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और जितनी इतने चित्रा राज को मिलना भी बहुत मुश्किल है कि उनके उनके पास कैसे पहुंचे। तो जो हमारे टीचर पीयूष जी थे, उनसे मैंने ये बात की और उनको पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे दिखा, तो कुछ हो सकता है क्या कि गुरुदेव का जन्मदिन हम सेलिब्रेट करना चाहते सोसाइटी में। तो फिर उन्होंने बोला कि देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने सबसे मिलवाया, टीम से मिलवाया, एसटीसी से मिलवाया, वहाँ पे मीटिंग्स हुई हमारे घर में, फिर जगह देखने के लिए आए, सब कुछ चल रहा था कि वॉलेंटियर्स। और हम सोचते हैं ना कि हमारे पास अगर रिसोर्सेस हो तो हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं, ऐसे लग रहा था। लेकिन गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना कि पहले सेवा करना शुरू करो, रिसोर्सेस अपने आप आ जाते हैं। तो उस दौरान मैंने ये बहुत अनुभव किया कि उसमें सीखने को भी बहुत मिला कि कितना ग्रैंड स्केल पे करना था, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत डर भी लग रहा था अंदर के पहले, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इसके पहले करने का। लेकिन वो अपने आप सारी चीजें धीरे धीरे सब होते गई, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, उसमें भी बहुत सारा ऐसे लग रहा था कि होगा नहीं होगा, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। और 13 मई के बदले में हमें 12 मई को गुरुदेव का बर्थडे सेलिब्रेट के लिए मौका मिला, और चित्रा जी ने कहा कि मैं आने के लिए आपके यहाँ पे रेडी हूँ सोसाइटी में, और मैं कुछ भी उसके चार्जेस नहीं लूंगी, ये मेरे तरफ से गुरुदेव के लिए गिफ्ट है आपकी सोसाइटी के लिए। तो मुझे इतना गदगद मैं रोई कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कितने चार्जेस होते हैं, क्या होता है, कैसे मिलना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सब कुछ अरेंज हुआ, और हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी में डिवोटी है, उन्होंने पूरा प्रसाद की अरेंजमेंट कर दी थी, क्योंकि वो उनका ये था कुकिंग वो करते थे, तो एक्चुअली कैटरर्स है वो लोग, तो उनका बड़ा बिजनेस है, तो उन्होंने कहा कि पूरा प्रसाद हमारी तरफ से रहेगा, तो वो भी सारा कुछ अरेंजमेंट हो गया अच्छे से, पूरा सब कुछ अच्छे से हो पाया। तो कहने के लिए तो बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन अभी तो मुझे यही याद आ रही है सामने, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें थी जो सामने आ रही।